और राजस्थान में चुरू के मौजूदा बीजेपी सांसद राहुल कस्वां टिकट कटने से काफी नाराज चल रहे हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से टिकट देने पर कार्यकर्ताओं में रोष है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। पहले लिस्ट जारी होने के बाद जिनके नाम कटे हैं उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के चलते शेखावत के काफिले को निकलने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध होने के बाद पुलिस ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। विधायक बाबू सिंह राठौर ने पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली का विरोध किया। पुलिस के साथ काफी देर तक बहस भी हुई। वहीं चुरू में टिकट काटने के बाद मौजूदा सांसद राहुल कस्वां ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। राहुल कस्वां ने कहा, अब ये नहीं चलेगा, एक व्यक्ति हमारे आने वाले कल का फैसला नहीं करेगा। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चुरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हैं मेरे सामने, ये किसान कौन बैठे हैं मेरे सामने, गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने, क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? नहीं, 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 नहीं। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चुरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चुरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई तो चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है।